गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कक्षा 12 का अंतिम जो टॉपिक बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसमें आपके लास्ट दो टॉपिक आपके बचे हैं। सबसे पहला तो रक्त और लसिका में अंतर। तो देखो, रक्त और लसिका के अंतर की हम बात करें तो एक तरफ हम लिख देते हैं रक्त और एक तरफ लिख देते हैं लसिका। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो रक्त है, शॉर्ट में करेंगे, रक्त जो है उसका रंग कैसा होता है? लाल रंग, ठीक है। और जो लसिका है वो कैसी होती है? रंगहीन होती है। नंबर दो, रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। किसमें? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित। और जो लसिका है वो किसमें होती है? लसिका वाहिनियों में प्रवाहित। ओके, नंबर तीन हम बात करें तो रक्त जो है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन जो है वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसकी अपेक्षाकृत? लसिका की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, ठीक, अधिक मात्रा में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, वही सही है। और ये जो लसिका है इसमें कम मात्रा में, ठीक है ना। सिंपल शॉर्ट लिख दिया मैंने केवल। उसके बाद हम बात करें तो उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो इसमें अधिक होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, रक्त में कम होते हैं और लसिका में क्या होते हैं? वो अधिक होते हैं। क्या होते हैं? ओके, इसके अलावा रक्त में O2 जो है वो अधिक, CO2 जो है वो क्या होती है? कम होती है। और जो लसिका है उसमें क्या होता है? O2 कम, CO2 अधिक होती है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो जो रक्त है आपका वो अंगों से और हृदय की ओर, और हृदय से और अंगों की ओर, यानी दोनों ही तरफ प्रवाहित होता है। हृदय से अंगों की ओर तो धमनी ले जाती है और अंगों से हृदय की ओर सिरा लेकर आती है प्रवाहित, ठीक है ना। और जो लसिका आपकी होती है वो केवल सिरा के समान होती है, यानी अंगों से हृदय की ओर एक ही दिशा में, और ये दोनों दिशाओं में, और ये अंगों से हृदय की ओर, केवल हृदय की ओर, मतलब हृदय से वापस नहीं जाती है लसिका, केवल अंगों से हृदय की ओर आती है, यानी एक दिशा में प्रवाहित होता है। ओके, इसके अलावा हम और बात करें तो रक्त जो है
उसके अंदर जो मेन मेन कंपोनेंट्स आपके थे वो तो मेजर तो आपके हो ही गए हैं, लेकिन इसके अंदर WBC जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है किसकी तुलना में, लसीका की तुलना में। तो नंबर 7 आपका हो गया WBC अपेक्षाकृत कम, और यहां WBC अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो देखिए यहां कुछ हमने मुख्य अंतर रक्त और लसीका के अंदर देखे हैं। सबसे पहले तो रक्त जो है लाल रंग का होता है, किसकी वजह से, RBC की उपस्थिति के कारण। तो वैसे पॉइंट बना सकते हैं हम, दिख रहा है हमको साफ सबके भी RBC है, ये रंगहीन क्यों है, इसमें RBC नहीं है। तो लिखने को हम 8वां पॉइंट भी देख सकते हैं, जैसे यहां क्या है लिख देते हैं, चलो RBC उपस्थित और प्लेटलेट उपस्थित, दोनों ही उपस्थित होते हैं। WBC भी होती है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। यहां पे WBC तो दोनों तरफ है, पर RBC प्लेटलेट्स केवल रक्त में है, और यहां जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों ही अनुपस्थित है, RBC और प्लेटलेट्स दोनों ही क्या है, अनुपस्थित है। ओके बेटा, तो उसके बाद हम देखें तो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित हो रहा है, ये लसीका वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। यहां प्रोटीन वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं तो छन नहीं पाते हैं, इसलिए कम होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ इसमें कम होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ लसीका में अधिक होते हैं। रक्त जो है O2 उसमें अपेक्षाकृत अधिक होती है, CO2 कम होती है, क्योंकि O2 इसलिए अधिक होती है क्योंकि उसके अंदर वो हृदय से आ रहा है, वो तो O2 को लेकर आ रहा है, जबकि ये अंगों से हृदय की ओर जा रही है, कौन, लसीका, लसीका वाहिनियों के माध्यम, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, CO2 अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आपका मैंने बता ही दिया, जो छठे वाला पॉइंट अभी मैंने अभी क्लियर करा आपका, मतलब ये दोनों तरफ प्रवाहित होता है रक्त, और ये केवल एक दिशा में। WBC उसमें दोनों में उपस्थित है, WBC रक्त में भी लसीका में, पर उसमें कम है इसमें ज़्यादा है। RBC प्लेटलेट्स जो है उसमें उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ तो तीनों ही रक्त रुधिर कणिकाएं उपस्थित है, RBC WBC प्लेटलेट्स रुधिर में, तो यहाँ केवल एक ही रुधिर कणिका उपस्थित है WBC, और वो भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी लसीका में। ओके, तो यहाँ मुख्यतः जो मेजर आपके डिफरेंट थे बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं रुधिर एवं परिसंचरण संबंधी जो रोग है, मतलब जो डिजीज आपकी है ब्लड से और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है उनके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहला हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ये क्या है, तनाव की वजह से होता है मुख्यतया। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नॉर्मली जो आपका जब प्रकुंचित होता है हृदय तो दाब होता है वो कितना होता है, 120 mmHg, और जब वो अनुशीथिल अवस्था में होता है यानी डायस्टोल अवस्था में तो वो होता है 80 mmHg। रुधिर का जो दाब है वाहिनियों में जब हृदय संकुचित होता है तो 120 mmHg होता है, और जब वो प्रसारित यानी विश्राम अवस्था में होता है तो 80 mmHg होता है। लेकिन बार बार आप यदि ब्लड प्रेशर नपवाते हैं और ये बार बार 120 से ज़्यादा आ रहा हो और ये बार बार 90 से ज़्यादा आ रहा हो तो उसे हम, उस अवस्था को हम कहते हैं उच्च रक्तदाब। इसका मूल कारण जो है वो अत्यधिक तनाव यदि आप लेते हैं जीवन में, आपकी एनीमित दिनचर्या आपकी होती है, तो इसके अलावा आपकी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आपके फाइबर वगैरह रेसे वगैरह भी जम जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है वो संकरे हो जाते हैं, तो दाब आपका ज़्यादा हो जाता है। आपने कई बार पानी का पाइप देखा हो तो हम जब उसको दबाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाता ही नहीं, बढ़ जाता, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको दबाने की वजह से उसका अंदर का जो 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 फूला हुआ भागता है यानी जो पिचक गया उसकी वजह से, यानी संकरा हो गया, वो संकरा हो गया तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही रीजन इसका है, आपकी आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करते हैं, ज़्यादा मोटे आप हैं अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्ति से, तो आपके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। वसा वाला भोजन आप ज़्यादा करते हैं तो वो वसा
इसके अलावा बहुत सारे फाइबर्स आपके क्या होते हैं रुधिर वाहिनियों के अंदर जम जाते हैं, विशेष तौर पर धमनियों में। तो वहाँ जब वो जम जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से वो रुधिर दाब आपका अधिक हो जाता है। उपाय हम बात करें, इलाज की बात करें, तो तनाव जितना हो सके कम लें, अच्छी और ताज़ा ऑक्सीजनयुक्त हवा का उपयोग करें, यानी मॉर्निंग वॉक वगैरह करें ज़्यादातर आप, दिनचर्या आपकी ठीक से हो, और नियमित भोजन, संतुलित भोजन आप करें। ऐसे नहीं कभी भोजन कभी करें, कभी भोजन कभी करें, बसा या चिकने जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें। ओके, और इसके अलावा चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता है वो आप आगे आ जाए। हृदय धमनी रोग ये डिपेंड करता है इसके जैसा ही है, लेकिन ये केवल हृदय जो है उसको जो सप्लाई कर रही है धमनी, कोरोनरी आर्टरी, वो जो सक्रिय हो जाती है अंदर से, वही कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बसा के जो अन्य घटक है, और इसके अलावा आपके जो फाइबर वगैरह वो जम जाते हैं, रेशे वगैरह जम जाते हैं, तो वो जम जाने की वजह से जो आपके क्या होता है, जैसे महाधमनी होती है, जैसे हार्ट आपने बनाया था, तो ये जो आपका जो हार्ट था, तो इस हार्ट में हमने, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा याद आए कि हृदय धमनी कहाँ पर होती है। देखिए ये बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये तो बाल वगैरह होते हैं, हृदय की संरचना नहीं पढ़ना चाह रहे क्योंकि समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे इसके अंदर। मैं केवल हम धमनी की बात कर रहे हैं, ये जो नलिकाएं बाहर निकल रही है, भीतर प्रवेश कर रही है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये महासिरा है, ये पश्चिम महासिरा होगी, ये अग्र महासिरा होगी, ठीक है ना। अंदर जो ये जो आ रही है फुफ्फुस सिराएं हैं, तो सिराएं जो है वो अलिंदम आ जाती है, ये आर ए हो जाता है, ये एल ए हो जाता है, ये आर बी हो जाती है, मतलब नीले दाया, और ये एल बी हो जाता है, यानी बाया नीले। तो ये जो बाया नीले है, इससे महाधमनी निकल रही है ना, ये महाधमनी, तो ये महाधमनी इसमें प्रवेश, जैसे बाहर जाती है तो यहीं से महाधमनी निकलकर हृदय को क्या करती है, सप्लाई करती है। तो महाधमनी डिवाइड हो जाती है, यहाँ से बढ़ जाती है, वो हृदय धमनी कहलाती है। दो भागों में बढ़ती है, ये दाई और बाई, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड जाती है और राइट वाली राइट साइड आती है। तो ये जो हृदय धमनी है जो यहाँ से निकल रही है डायरेक्ट, महाधमनी है ना, तो ऊपर जाने से पहले यहीं डिवाइड हो जाती है, सबसे पहले वो हृदय को ही क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ क्या होता है, उसके अंदर रेसे वगैरह जम जाते हैं, और रेसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमने की वजह से वो सकरा हो जाता है, तो उसकी सप्लाई जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो हृदय की सप्लाई जो रुधिर की प्रभावित होती है, तो हृदय धमनी रोग भी उससे संबंधित है, हृदय स्थूल रोग भी उससे संबंधित है, हृदयाघात रोग भी उससे संबंधित है, हृदयपात रोग भी उससे संबंधित है। तो ये जो चारों रोग आपके हैं वो सब इसी से संबंधित है, जो कोरोनरी आर्टरीज है आपकी, यदि हम इसको स्पेशली बनाएं, तो ये जो महाधमनी गई है, हम इसको क्या करें, एक अलग पेन से इंडिकेट कर देते हैं, ये जो महाधमनी ऊपर गई है, ठीक, तो ये क्या है, ये ऊपर जो महाधमनी जा रही है कहाँ से निकल रही है, बाएं नीले से, ये डिवाइड हो जाती है यहाँ पे, ये आगे दाईं तरफ और ये आगे बाईं तरफ। तो ये जो धमनी है जो हृदय को सप्लाई कर रही है, समझ में आएंगे ना कौन सी धमनी की बात कर रही है, जो कोरोनरी धमनी, दाईं और बाईं, इसमें संकरा हो जाता है अंदर का पथ, जिसकी वजह से हृदय को क्या है, ठीक से सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो चूंकि हृदय की धमनी में रोग हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हृदय धमनी रोग, ठीक, आगे समझ में। हृदय शूल में क्या होता है, हृदय शूल में वही सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, तो आपको हृदय की मांसपेशियों में दर्द होता है, सीने में तेज दर्द होता है, शूल कांटेनुमा दर्द होता है, एंजाइमा, हार्ट एंजाइमा, तो वह हृदय शूल है। हृदयाघात और हृदयपात, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्या, बहुत अंतर है। हृदयपात में तो क्या होता है, जो हार्ट फेल्योर, फेल्योर से नाम में स्पष्ट हो रहा है, आप फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है,
तो हृदय का काम क्या होता है बेटा? हृदय का काम होता है सप्लाई करना। किसकी सप्लाई करना? रुधिर की सप्लाई करना, अंगों को रुधिर की सप्लाई करना काम होता है हृदय का। तो इस काम में यदि ये फेल हो रहा हो तो इस रोग को बोलते हैं हृदयपात, हार्ट फेल्योर। यानी जितनी मात्रा में अंगों को रुधिर चाहिए होता है उतनी मात्रा में ये सप्लाई नहीं कर पाता है आपका हृदय यदि, तो उसका जो उस रोग उस अवस्था को हम कहेंगे तो उसे हम कहते हैं हृदयपात। और वो उसका मूल कारण वही हृदय धमनी है। मूल कारण क्या है? हृदय धमनी है, क्योंकि वो सप्लाई ठीक से नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन वहाँ ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो वो आपका हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। जितनी मात्रा उसको अंगों तक पहुँचानी होती है रुधिर की, उतनी मात्रा वो नहीं पहुँचा पाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? अटैक, अचानक से हृदय का धड़कना अचानक से बंद हो जाता है। हृदयपात में क्या होता है? सप्लाई प्रभावित होती है, यानी जितनी मात्रा में उसे सप्लाई करनी है उतनी मात्रा में वो कर नहीं पाता है। ठीक है, एग्जाम में तो बैठा है परंतु नंबर नहीं ला पाया है, फेल हो गया है, और एक वो ऊपर पहुंच गया सीधा, कोई मतलब नहीं हो, एग्जाम में कैसे बैठेगा, ऊपर ही पहुंच गया, मर ही गया व्यक्ति वो। तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक का मतलब पूरी तरह हृदय का रुक जाना, धड़कन का अचानक से पूरी तरह रुक जाना हार्ट अटैक कहलाता है। और हृदयपात का मतलब क्या है? फेल्योर, जो सप्लाई है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, आपूर्ति प्रभावित होना हार्ट फेल्योर कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों रोग संबंधित किससे? कोरोनरी धमनी से, आर्टरीज से, हृदय धमनी। समझ में आ गई ना? महाधमनी डिवाइड होती है, इसे ऊपर भी डिवाइड होती है, फिर बाद में ही सिर की तरफ चले गई, बक्ष में चले गई, अग्रपाद में चले गई, फिर नीचे आने के बाद वो आ जाती है, तो फिर वो सभी अंगों में जाने से पहले डिवाइड होती रहती है। ओके, आगे आ जाए हम रक्ताल्पता, एनीमिया। इसमें क्या होता है? आपके रुधिर में जो आरबीसी है उसकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, एचबी, जो रुधिर कणिकाएं हैं वो क्या हो जाते हैं? कम। तो वो रक्ताल्पता कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एनीमिया। अगला है वेरिकोस चिराएं। जैसे कई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खड़े रहने वाले व्यक्तियों के जो पैर होते हैं, तो पैरों की नसें की जो सिराएँ हैं, नस मतलब सिराएँ जो है, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बहुत फूली हुई हो जाती है, और उस अवस्था को हम कहते हैं वेरिकोस सिराएँ। टेढ़ी मेढ़ी जो नसें आपकी पैरों की पिंडलियाँ जो होती है, बहुत ज़्यादा जो खड़े व्यक्ति रहते हैं तो अत्यधिक दबाव के कारण जो नसें होती है वहाँ की जो सिराएँ होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और अजीब सी बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। विशेष तौर पर कई मजदूर वगैरह होते हैं, उनके हाथों की भी बहुत ज़्यादा नसें दिखाई देती है, सिराएँ दिखाई देती है। तो पैरों की विशेष तौर पर जब सिराएँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे, तो वेरिकोस सिराएँ उस अवस्था को कहते हैं। हीमोलाइसिस में क्या होता है? रुधिर के अंदर रुधिर कणिकाओं का लयन हो जाना, मतलब आरबीसी का लयन हो जाना हीमोलाइसिस कहलाता है। हार्ट फेल्योर आपका हो ही गया। हीमोफीलिया क्या है? ये एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? ये एक आनुवांशिक रोग है। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसके अंदर आपका रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। इसको शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार जो शाही परिवार कहलाता है उसमें ये रोग था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे अगले जो चैप्टर आएंगे उसके अंदर। हीमोफीलिया, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया। देखो ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। सामान्यतः आपके रुधिर में आरबीसी कम हो तो उसे बोलते हैं एनीमिया, और डब्ल्यूबीसी कम हो तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। आरबीसी कम हो तो एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, एनीमिया, और डब्ल्यूबीसी कम हो तो ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो तो ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर भी है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर भी है। ठीक है, टेकीमार्डिया, ब्रेडिकोर्डिया, एरिथीमिया, ये तीनों हृदय स्पंदन से संबंधित है। हृदय स्पंदन जो तेज हो जाए, नॉर्मली कितना होता है? एक मिनट में 75 या 72 बार, उससे तेज वो धड़के तो वो कहलाती है अवस्था टेकीमार्डिया, यानी हृदय स्पंदन का तेज हो जाना। हार्ट बीट हाई, तेज हो जाए तो टेकीमार्डिया। हार्ट बीट लो हो जाए तो ब्रेडिकोर्डिया। हार्ट बीट जो है हृदय स्पंदन कम हो जाए तो ब्रेडिकोर्डिया। और एरिथीमिया अनियमित हो जाए, इरेगुलर हो जाए, यानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ज्यादा हो रही है तो टेकीमार्डिया, कम हो रही है तो ब्रेडिकोर्डिया, और अनियमित है तो एरिथीमिया।
ओके। और इसी के साथ आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग है वो पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप बार बार वीडियो को देखें, पूरा देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो रिवाइज करें उसको। बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें छिपे हुए जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होंगे, ठीक। और इनके नोट्स भी बनाइए, ओके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।